हेलो एवरीवन, दीप थाबल है। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी वीडियो या लोगो को बाउंस करा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ अपने वंडरशेयर फिल्मोरा सॉफ्टवेयर में। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो सबसे पहले आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए एंड उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक स्टॉक वीडियो, तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे टाइमलाइन पे लेके आता हूँ। उसके बाद यहाँ से टाइमलाइन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो उसके बाद सिंपली हमारे पास यहाँ पे सेकंड वीडियो, तो हम उसको सिंपली नीचे पिक्चर ऑफ पिक्चर वाली लेयर में रख देंगे दूसरी टाइमलाइन पे। तो उसके बाद सिंपली आप इसको कटिंग कर सकते हैं जितनी भी आपको वीडियो चाहिए, और उसी हिसाब से जितनी भी आपने वीडियो रखनी है उसी हिसाब से आप दूसरे वाली वीडियो को ड्रैग करके नीचे वाली टाइमलाइन पे रख के उस पर सिंपली यहाँ पे कट लगा सकते हैं। ये सिंपली एक आइडिया हो जाएगा हमें कि हमने यहाँ तक ये वीडियो को जो रखना है। तो ये हमारे यहाँ पे दो वीडियो हो चुकी हैं। तो सिंपली उसके बाद हम यहाँ पे अपना लोगो, तो इसकी भी जो हमने साइज ड्यूरेशन रखनी है वो इसी के हिसाब से रखेंगे हम पहले वाली वीडियो के हिसाब से। तो सिंपली इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे के रख देते हैं। तो सिंपली हमने उसके बाद करना क्या है, आप प्ले करके देख सकते हैं कि ये हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। जो नॉर्मल वीडियो है बिल्कुल भी इसमें अभी कोई भी इफेक्ट हमने अप्लाई नहीं किया। तो उसके बाद सिंपली हम अपनी वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे PIP एडिट में। तो यहाँ से हम इस पर मास्क अप्लाई करेंगे। तो आपने देख लेना है यहाँ मेक श्योर मास्क सिलेक्ट है, तो आप यहाँ से कोई भी इसको मास्क शेप दे सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। जैसे मैं सिंपली इस पर डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से आप इसकी विड्थ थोड़ी कम कर सकते हैं अराउंड 97। तो यहाँ से सिंपली इसको ओके कर देते हैं। सेम उसी तरह हम अगली वीडियो पे यही इफेक्ट अप्लाई करेंगे मास्क वाला। ओके, तो उसके बाद हमारा यहाँ पे लोगो है, इस पर हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये PNG है, PNG फॉर्मेट में है। तो सिंपली हमने उसके बाद क्या करना है, हमने अपनी वीडियो को जो हमारी पिक्चर्स वाली लेयर में वीडियो रखी हुई है उस पर हमने डबल क्लिक करना है। तो हमारे सामने ये मोशन वाले टैब खुल जाएंगे। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है बूम इफेक्ट को, BOOM बूम इफेक्ट। तो सिंपली हम इसको सभी वीडियो पे लगा देंगे, अपने लोगो पे भी यही वाला इफेक्ट हम अप्लाई कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से सिंपली इसको ओके कर देंगे। तो अब हम यहाँ से इसको प्ले करके देखते हैं कि अभी ये नॉर्मल है, इसमें कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं हमने अभी डाले हैं, तो इसमें हमारा शेक वाला इफेक्ट नहीं आ रहा। तो सिंपली आप जो नेक्स्ट वाली एक्स्ट्रा वीडियो है उसको हम यहाँ से कट करके डिलीट कर देंगे। तो उसके बाद सिंपली हम चले जाएंगे फिल्टर वाले टैब में, यहाँ से शेक। तो यहाँ से कोई भी आप शेक इफेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पंगा है फिल्मोरा का कि ये हमें जो नीचे पिक्चर्स और पिक्चर्स वाली लेयर है उसके नीचे हमें ये ऑप्शन नहीं देता शेक इफेक्ट का। तो जो हमें यहाँ पे चाहिए नीचे, तो ये नीचे नहीं देता, इसमें यही पंगा है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें अपनी वीडियो को पहले एक्सपोर्ट करना होगा। तो यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो हम इसका यहाँ पे सिंपली नाम दे देते हैं बूम। तो मेक श्योर ये हमारा डेस्कटॉप पे जाएगी फाइल, और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये हमारी फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। उसके बाद सिंपली हम यहाँ से मीडिया में चले जाते हैं। उसके बाद इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं जो हमारी टाइमलाइन पे वीडियो है जिसपे हमने इफेक्ट अप्लाई किए थे। तो उसके बाद सिंपली यहाँ से इंपोर्ट में जाएंगे, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमने वीडियो एक्सपोर्ट की थी। तो यहाँ से ये वाली आप वीडियो देख सकते हैं कि लिखा हुआ है बूम, ये वाली वीडियो हमने एक्सपोर्ट की थी अभी। तो यहाँ से हम सिंपली इसको ओपन कर लेंगे। तो इसके बाद हम इसको ड्रैग करके टाइमलाइन पे लेके आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी वीडियो बनके कुछ इस तरह से तैयार हुई थी। तो अभी हम इस पे बहुत ही आसानी के साथ अपना शेक इफेक्ट, कैमरा शेक इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्टिंग में आपने देखना है फ्रेम बाय फ्रेम। तो यहाँ से मैं थोड़ी यहाँ पे एक ब्लैक बैकग्राउंड डाल देता हूँ स्टार्टिंग में। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेम बाय फ्रेम इसको देखना है कि हमारी वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो हमने सिंपली यहाँ पे टाइमलाइन इंडिकेटर को रोक के कोई भी यहाँ पे शेक इफेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हमने रखना होगा शेक इफेक्ट को अराउंड 6 फ्रेम या 7 फ्रेम के अराउंड हमने इसको रखना होगा, मे बी 5 फ्रेम। तो सिंपली आपने एक बार यहाँ से इसको रख लिया, तो सिंपली आपने कॉपी करना है और जाना है नेक्स्ट वीडियो में जहाँ से हमारी वीडियो बाउंस कर रही है, दूसरी वाली वीडियो बाउंस कर रही है मास्क इफेक्ट। तो हमने सिंपली यहाँ पे वो वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो इसी तरह हमने अपने लोगों के साथ करना है। जैसे हमारा लोगो आ रहा है यहाँ पे देख रहे हैं अभी कहाँ से बाउंस हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ से हमारा जूम इन हो रहा है, लोगो आ रहा है पीछे से। तो हम यहाँ पे इसको शेक कर देंगे थोड़ा, ये इस तरह का इफेक्ट अच्छा लगता है। थोड़ा इस तरह से हम इसको लगा के बहुत ही आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो आज की यही वीडियो थी कि किस तरह से हम अपने जो मैंने अपना इंट्रो बनाया इवन उसमें भी मैंने यही इफेक्ट यूज़ किए हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।